फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूँ केटी ब्लॉग्स में। और आज हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं घूमने प्रयाग फिल्म सिटी, जो कि आप लोगों ने बहुतों ने नाम सुना भी नहीं होगा। ये फिल्म सिटी आपके सालबोनी के बाद और गढ़बेथा जो है इनके इसके बीच में पड़ता है, तो हम लोग जा रहे हैं इसको देखने के लिए। और ये फिल्म सिटी कैसा है आप लोगों को मेरे इस वीडियो में बने रहिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसा है फिल्म सिटी। और आप लोग भी ज़रूर आइए, हमारे इस वीडियो पर बने रहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आप लोगों को इस फिल्म सिटी के बारे में पता चलेगा। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेम बाजार। तो सबसे पहले अभी हम लोग एटीएम से कैश ले लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पास कैश मनी नहीं है। सबसे पहले एटीएम से कैश मनी लेंगे और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इंदा। यहां से हम लोग पहुंच रहे हैं खड़गपुर चौरंगी और वहां से हम लोग जाएंगे मेदनापुर की तरफ। मेदनापुर को क्रॉस करके हम लोग सालबोनी की तरफ जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं मेदनापुर और अभी हम सालबोनी रोड पर हैं। तो अभी सालबोनी यहाँ से कुछ ही दूर में है और अभी हम लोगों ने गोदापियासल भी क्रॉस किया। तो अभी ये सालबोनी रोड है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही नया बना हुआ है, बन चुका है और बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग होटल पिकनिक में हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग रिफ़्रेश होने के लिए रुके हुए थे, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो चुके हैं और अभी हम लोग फिर फिल्म सिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो ये मेन रोड है। तो सालबोनी से अभी हम लोग क्रॉस करके हम लोग अभी गढ़बेथा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से बीच में एक लेफ्ट टर्न आएगा, जहाँ से हम लोगों को लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा प्रयाग फिल्म सिटी के लिए। तो अभी आप लोग, ये टर्न आने ही वाला है। फ्रेंड्स, ये वाला टर्न है, चलो पता चलो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग लेफ्ट साइड ले चुके हैं रोड का। तो यहाँ से तो रास्ता काफी खराब लग रहा है, थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन फिर भी चलते हैं क्योंकि अभी और भी आना तो बाकी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ये जितना भी बाउंड्री है सर, ये प्रयाग फिल्म सिटी, ये आगे आपको बोर्ड मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिल्म सिटी, प्रयाग फिल्म सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। ये आपका गेट भी है, जो गेट से अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं। प्रयाग फिल्म सिटी का गेट है और यहाँ पर काउंटर भी है। तो यहाँ पर टिकट सिस्टम है, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टिकट लेंगे। टिकट मिल चुका है, अभी हम लोगों ने तीन टिकट लिया है हम तीनों के लिए। तो पर हेड 300 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये जो फिल्म सिटी है, 700 एकड़ एरिया पर फैला हुआ है। और यहाँ से आप गाड़ी लेकर, कोई भी बाइक लेकर आते हैं तब भी आप अंदर जा सकते हैं और आराम से घूम सकते हैं। और खाने पीने के लिए जो भी आपको ऑर्डर करना है, पहले से अंदर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं। जी, ये शूटिंग लोकेशन हमारा, यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं। तो देख लीजिए यहाँ का शूटिंग लोकेशन में, और लकी और सोनम भी सेल्फी ले रहे हैं, स्नैप ले रहे हैं। ये शूटिंग लोकेशन आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, बहुत बढ़िया है। और फिर एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये प्रयाग फिल्म सिटी जो है 700 एकड़ एरिया में ये बना हुआ है। यहाँ से हम लोग अभी इस गेट का एंट्री करते हैं। देखिए कितना सुंदर दिखता है, और अंदर की तरफ देखिए, महल की तरफ दिख रहा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया महल बनाया हुआ है, और गार्डन भी है बहुत सुंदर सा। वाह, बहुत बढ़िया लोकेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आए यहाँ पर। अगर आप लोग नहीं आए हैं तो आइए, ज़रूर आइए, फैमिली के साथ आइए। आपका 300 रुपीज़ पर हेड टिकट है और बहुत ही सुंदर लोकेशन है, पीस है, यहाँ पर उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और देखने लायक भी जगह है। हम लोग सोच रहे थे कि आए या नहीं आए, लेकिन हम
हमने सोचा चलो, काफ़ी दिनों से प्लानिंग बना हुआ था, कर रहे थे कि कभी जाएंगे फिल्म सिटी में, चलो चलते हैं। हालांकि अभी उतना ज़्यादा शूटिंग होता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पर उतना ज़्यादा शूटिंग होता नहीं है। फिर भी लोकेशन अच्छा है, अभी तक इसको थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है, तो आप लोग भी आइएगा ज़रूर। बहुत बढ़िया लोकेशन है और शूटिंग के लिए बहुत बढ़िया है, चारों तरफ से व्यू देख लीजिए। वापस हम लोग आगे तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे लिए ये एरोप्लेन भी तैयार है और यहाँ पर से हम लोग जाएंगे, उड़ेंगे, यहाँ से उड़ने वाला देख लीजिए। किंगफिशर का एरोप्लेन लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत बढ़िया लोकेशन अच्छा है, थोड़ा मेंटेनेंस कम हो गया है लेकिन जो भी है अभी भी एक थोड़ा बहुत शूटिंग के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं इस सेट के अगले लोकेशन पर, तो ये लोकेशन भी कुछ ऐसा ही है, महल का एक लोकेशन है जहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा और चारों तरफ थोड़ा गार्डन थोड़ा सा रखा हुआ है और यहाँ पर लोकेशन आप लोग देख लीजिए। फ्रेंड्स, ये हमारा अगला लोकेशन है, तो ये सभी सेट जो भी राजा महाराजाओं के पिक्चर जो भी सिनेमाज होते हैं उसके लिए लगाया गया है। तो यहाँ पर दो हाथी, ये एंट्री गेट होगा शायद कोई भी सिनेमा के लिए, बहुत बढ़िया। टॉय ट्रेन में हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठ चुके हैं और टॉय ट्रेन अभी चलने के लिए तैयारी है, राइड के लिए तैयार, और ड्राइवर है लकी। बहुत बड़ा डायनासोर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ से आगे और रास्ता एंड भी हो चुका है। फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चे बैठ चुके हैं बी राइड में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे अगले लोकेशन पर, यहाँ पर एक चाइनीज टेम्पल या जापनीज टेम्पल जो भी है यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये उसका एंट्री गेट है जो कि देखने में बहुत सुंदर है। यहाँ से अंदर चलते हैं, देखिए अंदर ड्रैगन बना है। बहुत ही सुंदर लोकेशन। फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अगले लोकेशन में जहां पर एक रेस्ट रूम जैसा बनाया गया है शूटिंग के लिए, पार्क टाइप का कुछ है जो एक ब्रिज से हम लोग पूरा सेंटर में है, तो बीच से उस सेंटर की तरफ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ पर जितने भी शादी का मंडप वगैरह ये सब का भी यहाँ शूटिंग होता है, ये वहाँ चलिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5-star टाइप का होटल भी, होटल का शूटिंग के लिए शायद बनाया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5-star होटल का शूटिंग के लिए शायद। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अगला लोकेशन जो कि फॉरेन जगह का कुछ
वहाँ का एरिया जैसा ही है। यहाँ पर आपको अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन यही बाहर की तरफ चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये अगला लोकेशन रिसोर्ट लोकेशन है। यहाँ पर चारों तरफ रिसोर्ट बना हुआ है, जो कि आपको ऐसे एरिया में जहाँ पर शूटिंग का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर ऐसे जगहों में शूटिंग करने के लिए रखा गया है। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला लोकेशन हमारा लग रहा है ये चर्च का कोई लोकेशन है, जो बाहर गेट बनाया हुआ है चर्च के लिए शायद। फ्रेंड्स, ये अगला लोकेशन हमारा बाराभूम, ये रेलवे स्टेशन का एक लोकेशन है, जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेलवे स्टेशन का लोकेशन, और यहाँ पर ट्रेन लगा हुआ है रांची टू पुरलिया। देखिए, बिल्कुल स्टेशन का लोकेशन है, ट्रेन भी लगा हुआ है रांची से पुरलिया की तरफ, और हमारा सोनम जाने के लिए तैयार है। और ट्रेन में एसी कोच है, जिसमें लक्की बैठ चुकी है, और एसी कोच का शूटिंग ये अंदर की तरफ हम लोग थोड़ा देखेंगे, नहीं है तो बिल्कुल टूटा हुआ है, टूट चुका है इसमें, ठीक है लक्की, लेकिन डरावना है। देखिए, बिल्कुल पूरा ट्रेन की तरह, आपको ये थोड़ा भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत शूटिंग भी हो रहा है, जो मालूम नहीं क्या चीज़ का शूटिंग है, लेकिन शूटिंग हो रहा है। थोड़ा पूछ भी लेते हैं भाई, किसे शूटिंग होती है वो सिनेमा। এখন তো শুরু হয়নি না। চার্চ কা লোকেশন বহুত বড়িয়া চার্চ। I know. Hey, Baba, you look good. You look high, Jai. What's going on? Abhi na bhi yahan par dekhte hain. Masjid bhi hai yahan par to. Dekh lijiye. Masjid bhi bana hai. Bahut sara, bahut bada ek colony type ka bana hai. Yahan par Rajwadi type ka hai. Jo chhota sa banaya gaya hai. Yahan par dekh lijiye. मस्जिद में चलते हैं हम लोग, यहाँ पर मस्जिद भी बनाया गया है एक ही जगह पर, बहुत सारा लोकेशन बनाया गया है। यहाँ पर आपको शूटिंग करने में बहुत सुविधा होगी। ये मस्जिद के अंदर हम लोग घुस रहे हैं अभी, देख लीजिए। मुस्लिम जो मकान होते थे पहले, वो इसी तरह देखने में होते थे, तो ये सब बनाया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी, देखते हैं रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है। तो अंदर रिफ्रेशमेंट के लिए आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। পাশে আরো কালে লাগে কালে লাগছে আবার।
क्यों यो पनि उयो नै हो क्या ए इनाले त यहाँ भनिरहेको होला नि त फ्रेन्ड्स यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर खाना जो है पहले से अर्डर किया गया है जो शूटिंग के लिए आए उन लोगों के लिए बनाए है ना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो लगभग एक से ज़्यादा घंटा लगेगा, लगभग 1.5 से 2 घंटा आपका यहाँ पर लगेगा इस पूरे फिल्म सिटी को घूमने में। यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ इस एरिया में काफ़ी बहुत सारे लोकेशन यहाँ पर दिए गए हैं शूटिंग के लिए। तो एक टीम भी आया हुआ था यहाँ पर कोलकाता से एक फिल्म शूटिंग के लिए, तो हमने उनसे थोड़ा बातचीत भी किया। तो अभी यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत शूटिंग होता है, तो वो लोग ज़रूरत पड़ने पर कभी कभार आते हैं। और अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर, अभी हम लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल जहाँ तक मुझे ये फिल्म सिटी अच्छा ही लगा, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो, क्योंकि हम लोगों ने कभी मैंने तो कभी फिल्म सिटी कैसा होता है वो हमने तो कभी देखा नहीं था। तो यहाँ पर आया तो देखने मेरे को पता चला, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी हुआ, थोड़ा अच्छा भी लगा। तो आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर और ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स दोबारा मैं आप लोगों को ये मोड़ दिखाना चाहूँगा जो टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ से हमको लेफ्ट घुसना है। अगर हम लोग खड़गपुर की तरफ से आ रहे हैं तो लेफ्ट, और यदि बांकुड़ा की तरफ से आ रहे हैं तो हम लोग को राइट की तरफ घूमना है। ये वाला टर्निंग पॉइंट है जहाँ से हम लोग को अंदर घुसना और निकलना है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड टेक केयर।